दोस्तों गवर्नमेंट स्कूल के जितने भी बच्चे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ये बता रहे हैं सरकारी स्कूल में जो पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि आप लोगों को मिलने वाला है स्कूल के अंदर गवर्नमेंट सरकार की तरफ से ये एक डीसी फैन होता है जो इमरजेंसी बल्ब होते हैं, जिसके अंदर सारी सिस्टम अवेलेबल हैं, लाइट्स अवेलेबल हैं, फैन अवेलेबल हैं, मोबाइल चार्जिंग यूएसबी केबल का सॉकेट अवेलेबल हैं दोस्तों, ठीक है। स्कूल के अंदर पंखा कब मिलेगा, इमरजेंसी बल्ब बच्चों को कब मिलेगा सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री दोस्तों, ये कब मिलेगा वो ही इस वीडियो में हम आज बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखें, स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि अच्छे से आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ, मैं अपने गाँव से हूँ, गाँव से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, राजस्थान स्टेट से केकड़ी डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ दोस्तों। तो आपको मैं यही बताऊंगा, मैं एक विलेज गांव के अंदर हमारी एक शॉप है इलेक्ट्रिक शॉप, जहाँ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। ये वीडियो में जो बता रहे हैं जो पंखा जो हमारे बच्चों को स्टूडेंट को ये पंखा कब मिलेगा, गवर्नमेंट सरकार कब बांटेगी ये, वो हम इसके अंदर बता रहे हैं दोस्तों। क्योंकि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, एक दुकान में जो मैं इलेक्ट्रिक पंखा है, हमारे जो पंखे हैं इमरजेंसी पंखा हैं, दूसरे वाले पंखे सभी ने लिए हैं, लेकिन जितने भी ये मैंने सेल किए हैं पंखे, जो इन्वर्टर वाले इमरजेंसी पंखे आते हैं ये वाले, ये मैंने सेल किए हैं, जितने भी सेल किए हैं 25-30 पंखे मैंने सेल किए हैं, वो पंखे किन्होंने लिए हैं, किसने लिया, किसने खरीदा है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तभी से मेरे दिमाग में माइंड में एक आइडिया आया कि ये वीडियो उस टाइप का होना चाहिए, हमें अपने हिसाब से बनवाना चाहिए। जितने भी पंखे मैंने इमरजेंसी पंखे मैंने बेचे हैं वो बच्चे स्टूडेंट लोगों ने ही, स्टूडेंट वाले बच्चे ने ही, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं पढ़ते हैं लिखते हैं वो बच्चे ही पंखे खरीद कर ले गए मेरे से। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चों को पंखा इमरजेंसी है, क्योंकि आजकल की लाइफ में मैं आज की ये वीडियो बना रहा हूँ, 10 तारीख हो गई, आज 7वां महीना 2024 के बात कर रहा हूँ, ये वीडियो बन रहा है करीब 3 बजे के लमसम, 3 बज रही हैं 10 तारीख 7वां महीना 2024 को ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप तक शेयर कर रहा हूँ। गवर्नमेंट सरकार से मैं अपील करता हूँ, ठीक है, बच्चों को स्कूल के अंदर ये एक छोटा सा पंखा है, बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है, 6 घंटा इसका बैकअप होता है, लाइट इसकी कंटिन्यू 12 घंटे नाइट चला सकते हैं पूरी कंप्लीट नॉन स्टॉप, मोबाइल चार्जर की इसके अंदर सुविधा है दोस्तों। तो दोस्तों मैं सरकार से निवेदन करूंगा बच्चों की गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ये पंखा फ्री में एक ज़रूर देवे दोस्तों, स्टूडेंट वाले बच्चों को सभी को ये पंखा फ्री में देना चाहिए, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें, ठीक है, लाइट अच्छी हो सकती है इसके अंदर, 6 घंटा ये सर्विस देते हैं, 8-10 घंटे इसको चार्ज करो 6 घंटे तक ये कंटिन्यू चलते हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्यारा पंखा है, फॉर्च्यूनर कंपनी है अभी मैं फिलहाल बता रहा हूँ, ठीक है, कंपनी भी अदरवाइज कौन सी भी हो सकती है। लेकिन तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, अभी तक गवर्नमेंट सरकार ने कोई स्कीम लागू नहीं की है, लेकिन जितने भी ये पंखे मेरे से सेल हुए हैं सभी पंखे स्टूडेंट वालों ने ही लिए हैं, तब से मेरे माइंड में आया कि इसके अंदर मैं इसके बारे में भी वीडियो बनाऊं और गवर्नमेंट कल की ये इतनी ज़्यादा लाइट कटौती है गाँव के अंदर हद से ज़्यादा, कभी कभी की पूरी रात नाइट लाइट ही नहीं आती है, मच्छर काटने की वजह पढ़ने लिखने की दिक्कत होती है, ठीक है। जितने भी पंखे मैंने इमरजेंसी वाले पंखे बेचे हैं सारे के सारे यहाँ के स्टूडेंट ने ही लिए हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं पढ़ने के लिए लेकर गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों हालांकि मैंने जितने भी स्टूडेंट को ये वाले जो पंखे सेल किए हैं दिए हैं मैंने, उनसे मैंने कभी ज़्यादा मार्जिन नहीं रखा है, जितना हो सके मैंने रिजनेबल रेट में दिया है दोस्तों, क्योंकि वो पढ़ाई करने के ले रहे हैं, अपने भविष्य बनाने के लिए ले रहे हैं दोस्तों, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है इसके अंदर मैं ज़्यादा मार्जिन ले सकूँ, ठीक है। जितना हो सका मैंने रिजनेबल रेट के अंदर ये पंखा उनको सेल किया है दोस्तों, और मैं इसलिए ये वीडियो बनाया हूँ, इमरजेंसी सुविधा, अभी पंखे बरसात का टाइम चल रहा है, जुलाई का महीना चल रहा है, यहाँ बहुत ही लाइट जाती है, बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है पंखे की, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी सरकार ने कोई नियम लागू नहीं किया है, हो सके अगर कुछ दिनों बाद या ये स्कीम लागू कर दें, ताकि हमारी इस वीडियो आप लोग शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, आगे से आगे शेयर करोगे तभी ये वीडियो अपनी गवर्नमेंट तक जाएगी, ठीक है ना। तो इस बहुत ही अच्छी क्वालिटी है दोस्तों, अब इसके बारे में मैं इसकी फ्यूचर के सिस्टम के बारे में मैं बात करता हूँ, दो इसके अंदर स्विच दे रखे हैं, एक वन वे स्विच है, एक टू वे स्विच है दोस्तों, इस टू वे स्विच को इधर आप दबाओगे तो ये इमरजेंसी लाइट है ये जल जाती हैं, ये लाइट काफ़ी लॉन्ग टाइम चलती हैं और सर्विस अच्छी देती हैं, पिकअप भी काफ़ी अच्छा इसका है, पूरे नाइट चल जाती है कंटिन्यू, ठीक है, 12 घंटा प्लस सर्विस है इसकी, पिकअप है दोस्तों,
और अपने को मोबाइल चार्ज करना है होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल का सॉकेट दे रखा है यूएसबी चार्जर, ठीक है। जब हम इसको यूएसबी की तरफ इधर करेंगे तो हमारी ये चार्जर की केबल लगाकर हम मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, इमरजेंसी सुविधा है दोस्तों, ठीक है। जब भी हम इसको चार्ज करेंगे, ये हमने इसके अंदर से 2 पिन इसकी केबल होती है लीड निकाली, हम अपने बोर्ड के अंदर सप्लाई में इसमें लगा देंगे और ये इंडिकेटर चालू हो जाएगा, चार्जिंग इंडिकेटर, ठीक है। और ये बहुत अब इधर का ये स्विच बचा हुआ है, ये फैन स्विच है, हम इसको ऐसे दबाएंगे, फुल हाई स्पीड के अंदर ये पंखा चल रहा है, बहुत ही अच्छी हवा दे रहा है दोस्तों। ये हम पंखे के अंदर इस टाइप से कंटिन्यू चलाएंगे ना तो दोस्तों हाई स्पीड के अंदर आराम से 4 घंटा सर्विस दे देता है दोस्तों, 4 घंटे कंटिन्यू चलेगा और उसके बाद में धीरे स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि बैटरी डाउन होने की वजह से लो हो जाती है, उसकी वजह से ये घंटे 1.5 घंटा वो लो स्पीड में चलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस जिस तरीके से ये हाई स्पीड में चल रहे हैं वैसे 4 घंटा ये सर्विस देते हैं तो दोस्तों। और इसके साथ साथ हम इसको लाइट भी हम अगर कंटिन्यू रखेंगे इसको, ठीक है, लाइट भी अगर चालू रखेंगे तो ये पंखा और लाइट के साथ आराम से 3-3.5 घंटा आराम से राजी राजी चल जाएगा दोस्तों। ये लाइट के ओनली लाइट चलाओगे तो पूरी नाइट चल जाएगी है, और पंखे चलाओगे तो आप 3-4 घंटा सर्विस देता है दोस्तों, बैकअप देता है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है, ये वीडियो बच्चों के लिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, गलत है या अच्छा है, उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों।